अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमन जोन। और आज हम बनाने वाले हैं चिकन पिज़्ज़ा, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए मैंने ले लिया है 2 कप मैदा, और इसमें मैंने ऐड कर दिया है 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, 1 टीस्पून शुगर, और साथ में ही डाल दिया है 1 टेबल स्पून इंस्टेंट ईस्ट, और सॉल्ट डाल दिया है 1/2 टीस्पून, 2 टेबल स्पून ऑयल, और 1 एग डाल दिया है। और अब इन तमाम चीज़ों को पहले हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए। और मैं यहाँ पर बेकिंग पाउडर डालना भूल गई थी, तो अब मैंने इधर ऐड किया है 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और हमारे डो को तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे लुकवॉर्म वाटर का इस्तेमाल किया है। कुनकुना पानी लेना है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म और ना ही ठंडा पानी हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैंने लिया है 1/2 कप पानी, और ये डो तैयार करने में मुझे तकरीबन 3-4 कप पानी की ज़रूरत पड़ी थी। तो यहाँ पे हमारा डो बहुत अच्छे से गूंद लिया है मैंने। तो अब थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे हम बाउल में, और साथ में ही डो के ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करना है, और हमारे डो को रख देना है रेस्ट करने के लिए ताकि ये अच्छी तरह से राइस हो जाए और अपनी साइज़ में बिल्कुल फूल के डबल हो जाए। तब तक हमें इसे साइड में रख देना है। तो डो को पूरी तरह से तैयार होने में कम 2 से 2.5 घंटे लग गए थे, और ये देखिए बिल्कुल फूल के डबल हो गई है हमारी डो, बिल्कुल तैयार है पिज़्ज़ा बेस के लिए। बस अभी हम इसे हल्का सा नीड करेंगे ताकि इसकी जो एयर है हल्की सी निकल जाए, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। और अब हम ले लेंगे इसे काउंटर टेबल पे। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने फ्लावर डस्ट किया है, और जो हमारा डो है उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे 1 पार्ट मैंने लिया है और इसको इस तरह से पेड़ा बना लेंगे हम एक बड़ा सा, और इसे इस तरह से फैला देंगे। आप बेलन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसे फैलाने में। तो यहाँ पे अब मैंने ले लिया है इसे बेकिंग ट्रे पे, और ये जो हमारा डो है इसमें नोचेस लगा दी है फॉक की मदद से। और यहाँ पे एक बड़ा सा बाउल लेके मैं इसे प्रेस कर रही हूँ ताकि इसमें एक राउंड सा मार्क बन जाए जो आपको नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे मैंने ये जो चीज़ है इसको मैंने ये मार्क पे पूरा स्प्रेड कर दिया है। अक्सर ये होता है कि जो हमारी पिज़्ज़ा ब्रेड होती है वो साइड से बहुत ड्राई हो जाती है, तो अगर हम चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि इसे चीज़ के साथ में फोल्ड कर दें ताकि जो इसके किनारे हैं वो भी बहुत चीज़ी सी बन के तैयार हो। आप भी इस तरह से तैयार करके ज़रूर देखिएगा, आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो हमारी यहाँ पे साइड फोल्ड हो चुकी है पिज़्ज़ा की। तो सबसे पहले अब हम अप्लाई करेंगे पिज़्ज़ा सॉस। तो यहाँ पे मैंने ले दिया है शेज़वान सॉस 2 टीस्पून, और उसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 टीस्पून टमाटो चिली सॉस, और इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। आप चाहें तो किनारे तक इसे लेके जा सकते हैं। और इसके बाद आप इस पर
वेजिटेबल्स लगा सकते हैं, जो भी आपकी पसंद हो। तो यहाँ पे मैंने स्प्रिंकल किया है पिज़्ज़ा सिज़लिंग, और फिर उसके बाद मैंने मोज़रेला चीज़ डाल दिया, और उस पे मैंने वेजिटेबल में सिर्फ दिया है अनियन एंड कैप्सिकम। और ये दोनों चीज़ें अरेंज करने के बाद मैंने डाल दिया है बॉयल चिकन, जिसे मैंने श्रेडेड करके रखा हुआ था। और साथ में ही मैंने स्प्रिंकल किया है चिली फ्लेक्स, ताकि हमारा पिज़्ज़ा जो है वो बहुत ही चटपटा सा और यम्मी सा बन के तैयार हो। बाकी बचे हुए डो से यहाँ पे मैंने बनाया है मिनी पिज़्ज़ा, जिसे मैंने ग्लास की मदद से इस तरह से शेप दे दिया है राउंड, और उसे भी इसी तरह से सीजनिंग किया है मैंने सॉस और वेजिटेबल्स और चिकन के साथ में। और बहुत सारा चीज़ मैंने डाला है यहाँ पे, मैंने चेटर चीज़ डाला है अमूल का, और फिर मैंने इस पे डाल दिया है मोज़रेला चीज़, और फिर मैंने इसे बेक किया है 15 मिनट्स के लिए 160 डिग्री पर। और बेक करने से पहले 10 मिनट्स आप इसे ओवन को प्री हीट कर लीजिए, और 15 मिनट्स में आपका बहुत ही यम्मी सा पिज़्ज़ा बनके बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। तो वीवर्स, आज की मेरी रेसिपी यहीं तक थी। आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।